वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग माता रानी की कृपा से सब सही होंगे। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। तो गाइस, आप लोगों ने चटकेश्वर बाबा की जो महाभागवत चल रहा था, वहाँ महाशिव पुराण चल रहा था, तो वाली सीरीज आप लोगों ने देख ली होगी। तो आप लोग बताऊँ तो आज से जस्ट मड़गांव में जस्ट एक अफलाड़ी जगह है, तो यहाँ भी आपको बताऊँ तो आज से भागवत स्टार्ट है। तो देख सकते हैं गाइस, पीछे टेम्पल दिख रहा होगा आपको और काफ़ी सुंदर नजारा है यहाँ का। मैं बताऊँ तो आपको यार गाइस, तो मड़गांव भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर बताएँ तो। तो जैसे मैं टेम्पल गया पहुंच ही गया था, लेकिन जो सुबह की क्लास यात्रा थी वो निकल चुकी थी, मैं बताऊँ आपको। तो मैं थोड़ा लेट हुआ था क्योंकि आज मेरे को 7-8 दिन हो गए थे गाइस मंदिर में। तो थोड़ा मेरा कुछ काम था परसों के टाइम मॉर्निंग के टाइम में, तो मैंने वो काम निपटाया, तो मैं आ चुका हूँ, अभी पहुँच चुका हूँ जैसे टेम्पल में। तो गाइस चलते हैं टेम्पल की तरफ, तो दिखा दें आप लोगों को भी। और जो सुबह की क्लास यात्रा थी, तो गाइस तो वो क्लास यात्रा आपको बताएं तो विनोद भाई लोग तो यहाँ पर, तो उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है, तो उनसे ले लेंगे फुटेज। तो चलते हैं अंदर की तरफ, आपको भी दिखाते हैं कपलाड़ी का टेम्पल। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं, जैसे मैं कपलाड़ी के टेम्पल में पहुंच चुका था, तो जस्ट यहाँ पर कथा जो स्टार्ट हुई भी था करीबन आपके दिन में 2-1-2 बजे स्टार्ट होगी आप लोग को बताऊँ तो। और जस्ट अभी अंदर पार्ट का आइटम चल रहा है, तो गाइस चलते हैं अंदर की तरफ, आपको दिखाते हैं अंदर। तो मिलते हैं बाद में। जलम सन्नो देवीर विष्टय आपोभंतवित हे छयोर्विसर्वन्तु न जल गंध पत्र पुष्प गंगा ज्यातु क्षणिक्षिप्य गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधं कुरु गंगादियादि सर्वान् तीर्थान् जलदान् दधृतक् क्षयकारक एतत् कर्मणि करिष्यमाण श्री समस्त जन कल्याणार्थं श्री भगवत भक्ति प्रार्थनम श्री श्रीमद भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर्मणि प्रथम दिन कर्मणि निर्विघ्नतया कार्य सिद्धे रिद्धि सिद्धि सहित पुत्र लाभ क्षेम सहित गणपत देव प्रतिष्ठावान। तो गाइस देख सकते हैं जस्ट आज मड़ में जो कपलाड़ी गांव है, तो जस्ट वहाँ पर आप भागवत स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों को पता ही है। तो कल तक आप लोग मेरी सीरीज देख रहे होंगे जो चटकेश्वर बाबा की चली थी भागवत, तो उसकी सीरीज देख रहे थे गाइस। तो जस्ट आज हम लोग आपका कपलाड़ी में, तो काफ़ी सुंदर बना रखा है जो मंदिर डेकोरेट किया गया, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा किया गया। देख सकते हैं आप लोग जो व्यवस्था है, तो काफ़ी अच्छी है बताऊँ आपको। आ गया तो यहाँ पर कुछ फैन लोग बैठे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एरिया तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा वैसे बताऊँ तो यार गाइस। तो यहाँ पर प्यारा सा धारा भी आपको दिखाएं, तो जैसे थोड़े नीचे अभी आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। और जो मेन टेंपल है, तो गाइस मेन टेंपल ये है आपका, मैं बताऊँ तो दिख रहा होगा मेन टेंपल। तो गुरु जी भी पाठ पढ़ रहे हैं, जो आज जो महापुराण चलेगी, महाकथा चलेगी, जो भागवत चलेगी, तो उसका जो शुभारंभ है गाइस आपको बताऊँ तो। और देख सकते हैं जो यहाँ की लोकेशन, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन आपको बताऊँ तो यार। तो गाइस जस्ट अभी स्टार्टिंग चली रही है, तो अभी दिन में कथा तो दिन में स्टार्ट होगी आप लोगों को बताऊँ तो। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग, तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। गाइस देख सकते हैं जस्ट मैं टेंपल में आया था, तो यहाँ अंकल मिले अपने भगवान सिंह। तो जस्ट ये जो मंदिर है जो आपको बताऊँ तो भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो जस्ट इनके व्यवस्थापक अंकल ही है। तो अंकल आपको थोड़ी बहुत आगे हिस्ट्री बताएंगे और थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएंगे, तो बताओ अंकल। मेरा नाम सुबेदार भगवान सिंह है, मैं कुमाऊँ रेजिमेंट से रिटायर हूँ। मैं यहाँ पर इसकी जो कथा चल रही है उसका व्यवस्था देख रहा हूँ। वहाँ की सारा सहयोग जो है पूरे गांव का है, पूरे जो ग्राम पंचायत है उसका पूरा सहयोग है। और जो यहाँ पर माई जी और बाबा जी रहते हैं, उनके भी सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये मंदिर की स्थापना जो है वैसे तो 1800 से पहले हो चुकी है, लेकिन जो ये मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर 1946 में इसका जीर्णोद्धार किया गया है। 1943 के बाद धीरे धीरे इसका विकास किया गया, लेकिन अभी भी इसके बहुत से विकास की जरूरत है, काफी जरूरत है। क्योंकि हम कार्यक्रम तकरीबन पिछले साल 2020 में हमने यहाँ पे एक और भागवत किया हुआ था, और 2015 में हमने यहाँ शिव पुराण किया हुआ था। तब से लेके मैं हमेशा ही भाग ले रहा हूँ, इस कार्यक्रम को आगे को बढ़ा रहा हूँ। तकरीबन मैंने ये पूरे समाज के साथ मिलकर के ये
तीसरा भागवत जो है यहाँ पे करवा रहा हूँ अभी। आप लोग से माता की कृपा सभी पर बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे, यही हमारी कामना। तो भाई देख सकते हैं, तो मैं बताऊँ तो काफी मंदिर तो काफी जो ग्रामवासी है तो ग्रामवासियों के द्वारा काफी अच्छा डेकोरेट किया गया, मैं आप लोग को बताऊँ तो। और जो यहाँ पर जो लोकेशन है वो काफी अच्छे, मैं बताऊँ तो जंगल जैसे पेड़ पीड़े हैं और नेचुरल ब्यूटी में आपको बताऊँ तो काफी अच्छा डेकोरेट किया गया है। और जस्ट अभी जो कथा की स्टार्टिंग चल रही है तो कथा में आपको बताऊँ दो तीन बजे से हुई स्टार्ट, तो अभी पाठ पढ़ा जा रहा है। तो अंकल ने भी आपके बारे में यहाँ के बारे में कुछ बताया, देख सकते हैं गाइस। तो अभी मेन टेम्पल तो अंदर है तो आपको उसके भी दर्शन कराएंगे अभी। तो गाइस थोड़ी देर मिलते हैं आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं जस्ट जो कपलाड़ी में जो महादेव जी का टेंपल है, मंदिर है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो महादेव जी कहाँ विराजमान थे तो देख सकते हैं गाइस, काफी अभी शिवलिंग भी है, काफी अच्छी यहाँ पर जो मूर्ति है जो शिवलिंग है तो गाइस काफी अच्छी लगी गई है, देख सकते हैं आप लोग यार। तो मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ वैसे तो, और यहाँ मेरे साथ में आपको बताइए गाइस, तो मंदा भी रहेगा तो आपको पता है मंदा दादा है तो छोटा भाई ज्यादा जाता है गाइस, तो मंदा की थ्रू ही चल रहा है मेरा पूरा कार्यक्रम जो आपको बताऊँ तो गाइस यार। तो देख सकते हैं जो मेन टेम्पल है तो ये है गाइस, तो मेन टेम्पल भी आपको दर्शन कराई थी आज, तो देख सकते हैं आप लोग आज। तो मेरा ये फर्स्ट टाइम आपको बताऊँ तो गाइस, तो काफी अच्छा लगा मेरे को देख के यार वैसे, तो देख सकते हैं काफी यूनिक है, काफी अच्छा लगा मेरे को यार। और गाइस आप लोग को बताऊं कथा तो स्टार्ट अभी आपको 1-2 बजे होगी, तो जस्ट अभी पार्ट पढ़ा रहा है यहाँ पर, तो अभी जस्ट पार्ट का कार्यक्रम खत्म होगा, तो करीबन 2-3 बजे से कथा स्टार्ट होगी, तो आप लोग कथा मिलेंगे गाइस आपको बताएं तो। तो गाइस मिलता है आपको थोड़ी देर में। तो गाइस देख सकते हैं जस्ट यहाँ पर एक मूर्ति है, आप लोग बताऊँ जस्ट ये कृष्णगिरी जी की मूर्ति है, श्री कृष्णा जी की। तो जस्ट जो मंदिर का इतिहास है मैं आप लोग को बताऊँ तो इनसे जुड़ा है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी पहले मूर्ति बनी थी और काफ़ी पहले इन्हें आगे जो मंदिर बनाया हुआ भोलेनाथ जी का, तो इनकी स्थापना इन्हें करी थी कृष्णगिरी जी ने, तो देख सकते हैं गाइस। और मंदिर में अभी आप लोग को बताएं तो अभी तो पार्ट खत्म हो चुका है, जस्ट कथा 2 या 3 बजे स्टार्ट होगी, आप लोग को बताएं तो हम लोग आपको उस टाइम मिलेंगे गाइस। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में, तो मिलते हैं आप लोग को थोड़ी देर में। तो गाइस देख सकते हैं जिस धारे की बात ना आप लोग से कह रहा था, तो अंकल लोग भी आ गए मेरे साथ, अंकल लोग ने बताने आए कि यहाँ पर जो धारा है तो धारे के बारे में बताने आए अंकल, देख सकते हैं पानी बड़ा मीठा है, तो देख सकते हैं गाइस पानी काफी मीठा है वो अंकल। और आपको बताऊं तो धारा काफी मेरे, आप लोग देख सकते हैं जो बनावट है इसकी, जब तक सूर्य भगवान नहीं आते तब तक पानी बिल्कुल गर्म रहता है। अच्छा, जब तक सूर्य भगवान नहीं आएगा तो पानी गर्म रहेगा, और जैसे सूर्य देवता आते हैं तो उसके बाद ठंडा, अच्छा तो इस धारे की खासियत है गाइस, तो जब तक सूर्य भगवान नहीं आते हैं तो आप लोग बताते गर्म निकलता है पानी, और जैसे सूर्य भगवान की जैसे उपस्थिति होती है तो ये पानी बताओ ये जल आपका गर्म हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और देख सकते हैं जो इसकी जो बनावट है तो मैं बताऊँ तो काफी पुरानी बनावट है, देख सकते हैं आप लोग। और जो अंदर की भी बनावट है लोग बताऊँ तो काफी पुरानी बनावट है, और जो शेर देख सकते हैं जो जो शेर का मुँह है गाइस, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शेर का मुँह है तो वहाँ से पानी निकल रहा है, आप लोग देख सकते हैं इसकी बनावट। और इसको नाम लिखा गया है, अरे जो किशन माई जी, जो किशनगिरी माई जी थे तो उनके द्वारा ही बनाया गया था धारा, और जो उसकी बनावट है यार गाइस क्या देख सकते हैं आप लोग, जो बनावट है तो काफी अलग बनावट है, अरे 1326 और तो इसकी स्थापना बताऊँ तो 1926 में बनाया गाइस। और मैं आपको बताऊँ तो आज मेरा टाइटल भी यही रहेगा, मैं आप लोग बताऊँ तो गाइस यार, तो देख सकते हैं गाइस जो कपलाड़ी में अभी जो भागवत चल रही है जो स्टार्ट भी आज से जो उसका शुभारंभ हुआ है, तो काफी अच्छा लगा जो यहाँ के ग्रामीण है, तो हर चीज मेरे को काफी अच्छा लगा, मैं बताऊँ तो हर जगह से प्यार मिल रहा है गाइस, तो ऐसा अच्छा लगता है हमें, तो आज मेरे को काफी अच्छा लगा, तो प्यार मिल रहा है गाइस, तो काफी अच्छा है ऐसा यार। और अंकल लोग भी यहाँ काकू लोग भी काफी अच्छे लगे, तो व्यवहार यहाँ होता है ना गाइस गाँव ग्रामीण में, तो काफी अच्छा लगता है हम लोग भी, अच्छा हमें भी अच्छा लगता है यार, जो वीडियो बनाते हैं हम लोग तो गाइस हमें भी सपोर्ट मिलता है, तो काफी अच्छा लगता है हमें, तो काफी अच्छा लगा गाइस। और मंदिर परिसर देख सकते हैं आप लोग, काफी अल्टीमेट है, काफी यूनिक है, काफी अच्छा बना रखा है मैं आप लोग को बताऊँ, और चारों तरफ जैसे ग्रीनरी है, चारों तरफ से हरियाली आप लोग देख सकते हैं, और जस्ट यहाँ पर आपका मड़गांव। तो गाइस थोड़ी देर में हम निकलते हैं यहाँ से, आपको मैं जस्ट मिलूंगा शाम के टाइम कथा के टाइम में, जब गुरु से कथा सुनाएंगे तो मैं उस टाइम मिलूंगा गाइस, तो मिलते हैं उसके बाद आपको। तो गाइस हो चुकी है शाम, तो मैं आ गया था आपका मड़गांव में, तो जहाँ पर भागवत चल रही है गाइस आप लोग को बताइए कलवाड़ी में, तो जस्ट मैं पहुँच चुका था यहाँ पर, तो अभी चलते हैं गाइस अंदर की तरफ, तो गुरु जी अभी कथा सुना ही रहे हैं,
तो आप लोग को बताएं तो, और यहाँ की लोकेशन दिखाऊं तो काफी यार अल्टीमेट लोकेशन है, काफी अच्छी लोकेशन आप लोग को बताऊं तो गाइस यार। और जस्ट यहाँ पर टैंकी टाइप की भी है, स्विमिंग पूल टाइप का भी, तो दिखाते हैं एक बार, देख सकते हैं। तो जस्ट थोड़ी देर नीचे, थोड़ी नीचे आपको दिख रहा होगा ये टैंकी टाइप की। तो जस्ट यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, और जस्ट यहाँ पर एक छोटी सी रिवर भी बह रही है आप लोग को बताऊं तो, जिसे हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं गाड़ कहते हैं गाइस। तो हमारे यहाँ गाड़ बह यार गाइस ना, और देख सकते हैं जो यहाँ की लोकेशन है तो चारों तरफ हरियाली है, और जो भोलेनाथ जी का टेम्पल है तो गाइस यहाँ पर है भोलेनाथ जी का टेम्पल। तो यहाँ से सनलाइट पड़ ली तो आप लोगों को चीज़ें नहीं दिख रहा होगा अभी, और जस्ट मैं आपको अंदर के लिए अंदर की तरफ ले चलता हूँ। और जो टेम्पल था मैंने आप लोग को मॉर्निंग के टाइम में दिखाई देता गाइस, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है आप लोग को बताऊँ तो, जो मड़गांव भी है तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है गाइस आप लोग को बताएं तो। तो गाइस चलते हैं अंदर की तरफ, तो दिखाते हैं आप लोग को भी, सुनाते हैं कथा। आपको पीछे बैठना पड़ेगा, और पीछे बैठेंगे तो आवाज अच्छी नहीं होगी, क्योंकि तोड़े तोड़े कुछ पच्छा के पच्छा दे रहे हैं। कल गाड़ लाग रहे दुआ शीर सन, तो नहीं कल गाड़ लाग रही जा रही है, अब दुआ शीर सन तुम्हारे घर को जम रहे दूजा ना, तो मैं पता हूँ मैं दुआ शीर सन मैं पछने की कोशिश कर रहा, लेकिन मैं पहली पूछ लो मैं शीट में बैठ जाऊँ, पता ही नहीं होता। तो इनका भी यही विचार है कि भैया वहां अगर देर देर से जाएंगे तो पीछे बैठना पड़ेगा, इसलिए दौड़ा दौड़ जा रहे हैं वहां जाकर के। सभी अपने अपने आसन पर बैठ गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए हैं, देवता लोग भी शरीर धारण करके आ गए हैं, जो नदियां हैं उन्होंने स्त्रियों का रूप धारण करके वह भी आ गए हैं, वेद पुराण शास्त्र जितने भी देवी देवता हैं मूर्तिमान बन करके कोई कुछ रूप में कोई कुछ रूप में, क्योंकि देवता लोग भी इस कथा को सुनते हैं। हम लोगों का तो ध्यान नहीं लगता, मन भटक जाता है, पर जहाँ कथाएं होती हैं तो देवता लोग आकर के वह कथाओं को श्रवण करते हैं, हमारे पितृ लोग आकर के उस कथा को श्रवण करते हैं। देवता लोग बैठते हैं मंडप पर और पितृ लोग बैठते हैं बांस के डंडे पर, इसलिए शायद घाट का बांस का डंडा लगाया है, इसका भी महत्व बताएंगे तुमको कि क्या होता है। क्योंकि जब हम आते हैं हमारे दाएं कान में देवता लोग भी आते हैं, बाएं कान में हमारे पितृ भी आते हैं, तो हम अगर निंदा कर ला जब तो भाज्य ना और पितर ले भाज्य ना, इसलिए कभी काटिन न सुन चलते थे, काटिन सुनते क्यों घर में राक्षसी हो जाती है, कलयुग का वास होता है, तो निंदा कभी सुननी नहीं चाहिए। जो निंदा करता है उसके मुख से भगवान का नाम हट जाता है, जो निंदा सुनता है उसके कान में से देवता का वास चले जाते हैं, और पितृ लोग भी छोड़ देते हैं, भूत प्रेत आ जाते हैं। तो देवता छोड़े क्यों, तो भूतन नहीं उनजो जरूर जो आज इन छोड़ना घर में क्यों होंगे पांच पड़ गया। तो ऐसे शब्दों के द्वारा ही समझ जाना चाहिए कि भगवान हमको अब दुख देने वाले हैं, इसलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भी यज्ञ कर रहा है हो सके तो सहयोग करो, उनका सपोर्ट कर दो, अगर ऐसा भी नहीं हो सकता है तो बुरा शब्द भी मत दो, क्योंकि यह कलयुग में ऐसा फल है कथाओं का कि जितनी जल्दी व्यथा मिटाती है तो ऐसे ही जो है मनुष्य को रोग ग्रस्त भी ऐसा भयंकर व्यथा दे भी देती है। भगवान होते हैं ना, भगवान भगवान शंकर के दरबार में बैठे हैं, भगवान क्या है एक क्षण में मान भी जाते हैं दूसरे क्षण में नष्ट भी कर देते हैं, क्षण रुष्टा क्षण रुष्टा, इसलिए दरबार में कोई भी कैसे आए हमारा धर्म है कि उनका क्या है सम्मान कर देना, तो किसी को अपशब्द इत्यादि नहीं कहने हैं। तो भक्ति महारानी कहते हैं कि हेदारत जी मैं सबके हृदय में बैठ जाऊंगी, तब सबके हृदय में जाकर के भक्ति बैठ गई। तो अब शौनकाद ऋषि पुनः आगे को कथा कहने लगे, तो सुंदर राजकुमार 9-9 साल के जो बालक हैं एक दाहिनी तरफ बैठा है व्यासपीठ के नीचे, एक बाईं तरफ बैठा है, नारद जी प्रधान श्रोता होकर के सामने बैठे हैं, देवता मुनि ऋषि गंधर्व नदियां वेद जितने भी हैं सभी मूर्तिमान होकर के उस मंडप में भरे हुए हैं। तब नारद जी पूछते महाराज इस भागवत के द्वारा कौन कौन पवित्र होते हैं, ये तो मुझे पता चल गया कि भक्ति का भागवत की महात्म्य कहने से ही भक्ति का दुख दूर हो गया है, तो महाराज इस भागवत को करने से कैसे कैसे मानव पवित्र हो जाते हैं आप यह सुनाइए। यह सुनकर के व्यासपीठ पर बैठे हुए कुमार जी कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सरा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक पाप करता है, मृत्यु के समय में भी वह जान में अनजान में भागवत की कथा सुन लेता है, तो भागवत की कथा सुनने मात्र के Thank you.
पिताजी मनुष्य दुख क्यों पाता है? इस शरीर में ममता, शरीर में अहमता अहंकार और इन रिश्तों को क्या बनता है, उनमें ममता ले लेता है। मेरा अरे कोई किसी का नहीं होता, मेरा घर कहते मेरी जमीन, इस जमीन में कितने आए कितने खा गए, इस मिट्टी ने कितनों को खा दिया, मिट्टी को कौन खा पाया, इस घर में कितने रह गए, इस घर को कौन ले जाऊंगा सका। इसलिए पिताजी मनुष्य दुख पाता है शरीर में अहमता और जी क्या करो, वैराग्य रास वैराग्य करो। तो दूसरा श्लोक में कहते हैं कि धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। हे पिताजी धर्म करो, कैसा धर्म करो, पारलौकिक धर्म करो, दूसरे जन्म के लिए धर्म करो। ये जो सांसारिक धर्म होता है कि मेरा स्त्री है मैंने पालना है, मेरा पुत्र है मैंने पालना है, ये पालना वाला धर्म जो संसार में हम लोग निभाते हैं ये इसी संसार में काम आता है। लेकिन धर्म क्या है, परम धर्म है भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के निमित्त दान करना, उनके मंदिरों में जाना, यह है पारलौकिक धर्म। अब यह धर्म कैसा धर्म है, तो कहते जो क्या जो लोक धर्म, जो लोक का धर्म है कि ये हमने ऐसा करना है, लड़के का ऐसा करना है ऐसा करना है, ये लोक धर्म है। लेकिन लोक धर्म Yeah.
है, कथा का तो फर्स्ट दिन था, कथा का सार तो खत्म हो चुका है। तो जैसे गुरु जी कल से कथा स्टार्ट करिए, आप लोगों को बता दो। फर्स्ट में अभी मैं यही मंदिर पे था, आप लोगों को बता दो, देख सकते हैं महात्मा मंदिर और गुरु जी भावी राजमा देख सकते हैं आप लोग गाइस, और दो भी हमारे हमारे अंकित भाई और विनोद भाई भी हैं, यहाँ देख सकते हैं आप लोग गाइस। तो अभी अच्छा भाई से मिल गया, अंकित भाई से मिल गया गाइस, आप लोग का पेज भी है, और इनका पेज भी है फेसबुक में कृष्णा भक्ति भावना करके, तो आप लोग आके प्लीज एक बार चेकआउट करना गाइस। और विनोद भाई के बारे में आपको पहले बता रखा है गाइस, कितने बड़े आर्टिस्ट हैं करके, और उनका चैनल मोनेटाइज हो गया। खुशी की बात ये कि विनोद भाई का चैनल मोनेटाइज हो गया, आप लोगों को बताएं तो गाइस, तो काफी अच्छा लगा गाइस ऐसा सुन के यार। तो गाइस यहां से निकलता हूं, तो मिलता हूं आप लोगों को टाइम का फंड खाने। तो गाइस आप लोगों को आई होप ये सीरीज आप लोगों को मेरी अच्छी लगी गाइस, और जो यहाँ सीरीज मतलब भागवत चल रही है अभी, तो भागवत की सीरीज भी आप लोगों को अच्छी लगी गाइस, मैं आप लोगों को बताऊं तो जस्ट आज पहला दिन था आप लोगों को बताऊं तो कथा के मेन स्टार्ट तो कल से होंगे, जो आज कथा का सार चला था गाइस आप लोगों को बताऊं तो जस्ट आज कार्यक्रम हुए, तो आज कलश यात्रा का कार्यक्रम हुआ और उसके साथ पाठ पूजा हुई है, और जस्ट आज गुरु जी ने अभी कथा का सार सुनाया गाइस आप लोगों को बताऊं तो, और जस्ट अभी मैं टेम्पल में हूँ और साथ में आप लोगों को बताया था मंदा होगा मेरे साथ में, तो आप लोगों को बताइए गाइस, और मंदा और मैं अभी दूध के मजे ले रहे हैं, तो भाई लोगों ने यहाँ पर अभी दूध के लिए भी आया मैं बताया तो आपको, और जैसे मैं घर क्यों निकला था। तो गाइस आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो ये सीरीज अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट दिन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड, तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय।